है बढ़ने दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फी रिफंडिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है। मेनली अपन चार कॉलेज पे डिस्कस करेंगे। कौन सा फी रिफंड? एडमिशन रिलेटेड, ठीक है। जब आप एडमिशन ले चुके हैं और उसको चाहते हैं आप कैंसिल करवाना, उसके ऊपर। और 5000 के ऊपर अपन पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो कि आइकन पे आपको आ रहा होगा। इतना ही नहीं, फी रिफंड के ऊपर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप इजीली वहां पे जाके हर क्वेरी का आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको बहुत ही रिलीफ होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं। अब ये चार कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो IIM, हेरिटेज, टेक्नो मेन्स सॉल्टेक और हल्दिया, ठीक है। इन चारों पे अपन बात करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपन पहला कॉलेज, मतलब IIM के ऊपर। तो IIM से मुझे कॉन्टैक्ट करने में 3 से 4 बार मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ा, 3 से 4 लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ा, और तब जाके मुझे पता चला कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन करना होगा, ठीक। ऑफलाइन में क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा वो अपन जान लेते हैं। तो देखिए, जो भी आपका सिंपल डॉक्यूमेंट था, 10th 12th का मार्कशीट जो भी ले गए थे वो ले जाना है, ठीक। और एडमिट कार्ड वेबजी का, ठीक, ये भी ले लीजिएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी ले लीजिएगा। और क्या, तो आपको जो रिसिप्ट दिया गया था तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात सुन लेते हैं कि क्या बातें हुई सर से, और सर का मैं नंबर भी आपको दे देता हूँ, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक। 3 कॉल करने के बाद पता चला कि सर का ये नंबर है, ठीक है, कार्तिक सर नाम है, ठीक। तो चलिए सुन लेते हैं अपन क्या बातें हुई। 7 2 9 6 9 पे कॉल कीजिए, 2 3 5 7 2 9 6 9 0 3 3 आगे दे दीजिएगा। एक मिनट सर। डिपार्टमेंट का नंबर दे रहा हूँ, उधर बात कीजिए, तो दूसरी जगह पर पढ़ाई होता है इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 3 5 7 2 3 5 7 8 1 8 9 8 1 8 9। हाँ, कार्तिक घोष सर से बात कर लीजिए। कार्तिक घोष, ठीक है सर, थैंक यू सर। फी रिफंड का सर, मतलब एडमिशन ले लिए हैं सर तो रिफंड, हाँ सर, क्या प्रोसेस? ऑफिस आ जाऊँ? ऑफिस आना पड़ेगा सर। हाँ, ऑफिस आना पड़ेगा। और सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लें? आपने कहा जो समस्त डॉक्यूमेंट आते हैं सब ले आऊँ। तो फाइनली अपने को पता चला कि IIM में क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। IIM में कैसे क्या करना है अपने को पता चला, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन हेरिटेज पे। हेरिटेज में क्या प्रोसेस होने वाला है? तो हेरिटेज में आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन इसका प्रोसीजर होने वाला है। ऑफलाइन भी आप कर सकते हो बट ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको मेल सेंड करना होगा। मेल में आपको नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपका जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर था, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद जो आपको कॉलेज में रोल नंबर प्रोवाइड किया गया वो, ठीक है, कॉलेज में जो आपको रिसिप्ट दिया गया वो इंक्लूड करना होगा, अटैच करना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना अपन, ऑडियो सुन लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, जो मैम से बातें हुई, ठीक है। तो चलिए सुन लेते हैं अपन ऑडियो। रोल नंबर वगैरह दिया गया है? हाँ मैम। रोल नंबर, आपका नाम, आपका स्ट्रीम एक्सेट्रा सब देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैम? और आप लिख दीजिए कि आपको, मतलब, यू वांट टू विथड्रॉ एडमिशन, दैट यू डोंट वांट टू स्टडी हियर, एंड टू रिफंड द अमाउंट। और आपका एक जो जिस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है उसका एक कैंसिल चेक ऑनलाइन दे दीजिएगा, फोटोग्राफ। मैम आना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, आपको ये पूरा ऑनलाइन में आपको करना पड़ेगा। सेंड द मेल विद योर डिटेल्स एंड टू विच यू वांट द फंड। अच्छा अच्छा, ओके मैम, ओके। और मैम ये मेल वेबसाइट पे जो दिया हुआ है वही तो? वेबसाइट पर दिया आपके, इसमें भी है ना, फी बुक पे भी है। अच्छा, वो जो मनी रिसिप्ट दिया गया था, मतलब फी बुक है ना? जी जी, आप तो लिखिएगा admin@heritageit.edu में, और cc दे दीजिएगा finance@heritageit.edu। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, फाइनेंस, बाकी का सब जो जैसे है वैसे है। अच्छा अच्छा, और मैम वो जो मनी रिसिप्ट वगैरह सेंड किया गया था तो वो भी दे देंगे, अटैच कर देंगे ना? हाँ। और मैम 10th 12th का मार्कशीट तो नहीं देना होगा ना? तो सब नहीं, आपको तो विड्रॉ करना है। हाँ मैम, ठीक है मैम। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। और एक और मैम, कि साइन तो नहीं देना पड़ेगा ना, मतलब
सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए ऐसा कुछ? क्या चीज? साइन तो नहीं देना पड़ेगा ना, मतलब ऐसा कुछ? सिग्नेचर आप जो लेटर लिखे, मतलब आप जो मेल करेंगे, एक्चुअली द नॉर्म इज आपको लेटर लिख के भेजना है, ठीक है? अगर आप आ नहीं सकते तो वो लेटर को स्कैन करके अपलोड कीजिएगा और मेल के बॉडी में भी दे दीजिएगा। तो लेटर जब आप लिख रहे हो उसमें सिग्नेचर चाहिए होगा। अच्छा, मतलब एक लेटर लिखना होगा, उसके नीचे सिग्नेचर करना होगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, फिर अपलोड करना मतलब मेल में देना होगा और मेल में भी कुछ लिखना होगा, मतलब डिटेल तो वही लिख दीजिए जो वही सेम में लिखेंगे। हाँ, लिख दीजिए सेम चिट्ठी में जो लिखे थे वही लिख देंगे, ठीक है? हाँ, ओके मैम, तो इससे सेल्फ अटेस्टेड भी हो जाएगा, ठीक है मैम? ठीक है मैम, हाँ मैम, थैंक यू मैम। तो ये बात हो गई कि कैसे क्या करना है, मतलब व्हाइट पेज जो होता है A4 साइज का, उस पर आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है? एप्लीकेशन में वहाँ पे साइन भी नीचे में कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, ठीक है? साइन और डेट कर दीजिएगा ताकि वो अटैच हो जाए, ठीक है? मतलब कि हाँ हम लिखे हुए हैं, ठीक है? हम लिखे हुए हैं, ठीक है? अटैच हो जाए, ठीक है? बात समझ में आ रही, ठीक? उसको लिखने के बाद फोटो खींचिएगा, या नहीं तो आप स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है? फोटो खींच लीजिएगा इजी वे में, ठीक है? अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको जो वो रिसिप्ट दिया गया था जब आप एडमिशन लिए थे, तो वो रिसिप्ट उसमें अटैच करना है, ठीक है? अगर हो सके तो एडमिट कार्ड और सीट अलॉटमेंट लेटर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है? कोई मैंडेटरी नहीं, बट अटैच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, ये अटैच कीजिएगा, ठीक? उसके बाद इन सबको अटैच करने के बाद वहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि जो भी आपका नाम होगा, जो भी आप लिखे होंगे ना कॉपी पर, उसको वहाँ पर भी लिख लीजिएगा, ठीक है? मेल में भी, ठीक? सुन तो लिया ही अपन ऑडियो, तो बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना? ओके, अब बढ़ जाते हैं टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के ऊपर। तो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में क्या है, आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है? वहाँ पे आपको जाना होगा कॉलेज में, सेक्टर 5 में आपको सॉल्ट लेक में जाना होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही, वहाँ पे जाके ही आपको सारा डॉक्यूमेंट, जो मनी रिसिप्ट मिला था ना आपको, याद होगा कि मनी रिसिप्ट आपको दिया होगा, ठीक है? तो मनी रिसिप्ट वहाँ पे क्या करना होगा आपको, वो ले जाना होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही, वहाँ पे वो ले जाना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट भी ले गए तो वो भी ले जाइएगा, ठीक है? ले जाइएगा, बट लगेगा नहीं, लेकिन ले जाइएगा, ठीक है? ओके, समझ में आ रही बात? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, वही 10th 12th का मार्कशीट और हाँ वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड और सीट अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों भी ले लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब बढ़ जाते हैं अपन आगे, हल्दिया की बात कर लेते हैं। तो हल्दिया की बात की जाए तो हल्दिया में आपको जो है वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है? इजी वे में आपको मिल जाएगा, शो भी हो रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है? ओके, क्लियर है? आई थिंक क्लियर हुआ होगा बात, ठीक है? तो यहाँ पे एंड होता है हमारा ये पूरा सेशन, ठीक है? ओके, और कोई भी डाउट हो और कोई भी कॉलेज में आपको दिक्कत हो रही हो तभी हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका वो दूर कर पाएँ, ठीक है? आपका सॉल्यूशन कर पाएँ, ठीक है? मुझे पता है इसमें ज़्यादा कुछ व्यू वगैरह पे मैं डिपेंडेंट हूँ नहीं, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, बात समझ में आ रही, ठीक? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका हर डाउट, जेईई मेंस में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी से ही, और मैं वैसे जेईई मेंस पे बनाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।